गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग पे आया हूँ, क्योंकि मैं वन मंथ के लिए चंबा गया हुआ था, चंबा सीरीज के लिए, क्योंकि मैंने चंबा में काफ़ी सारी वीडियो शूट की हैं ओनली चंबा डिस्ट्रिक्ट की, और काफ़ी लंबी वो सीरीज थी, कम से कम 20 दिन की या 22 दिन की, और काफ़ी सारी वीडियो मैंने शूट की हुई हैं। तो अभी आपको वो भी दिखाएंगे चंबा सीरीज के अंदर। तो फिलहाल अभी लेके जाने वाला हूँ आज आपको मैं कांगड़ा यानी कि पालमपुर में, और पालमपुर में जो भी बेस्ट डेस्टिनेशन है वो आपको घुमाएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो चलो चलते हैं पालमपुर की ओर और घुमाते हैं आपको पूरा पालमपुर। तो दोस्तों, फाइनली जो मेरा सामान है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जे सामने मेरे कपड़े हैं जो कि मैंने प्रेस करके इधर रखे हुए हैं, और जो मेरे गैजेट हैं वो साइड पड़े हुए हैं, और सामने जो मेरा बैग है इसी बैग में ये सारे कपड़े मैं डालूंगा। इसमें कुछ गर्म कपड़े भी हैं, कुछ नॉर्मल कपड़े भी हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं पालमपुर, तो पालमपुर में थोड़ा मौसम शाम के टाइम आई थिंक ठंडा हो सकता है, इसलिए मैंने गर्म कपड़े भी अपने साथ में रखे हुए हैं। तो चलो अभी फिलहाल मैं अपनी पैकिंग करता हूँ। तो आखिरकार हम अपने सामान को पैक करने के बाद, गाड़ी में रखने के बाद पालमपुर की ओर निकल चुके हैं, और काफ़ी अच्छा मौसम है आज, बहुत ही यहाँ पे बादल वगैरह छाए हुए हैं, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है। हिमाचल में हर तीसरे या चौथे दिन जहाँ पे बारिश होती रहती है, और कुछ एरिया हिमाचल में ऐसे हैं जहाँ पे हर दिन बारिश आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि लास्ट टाइम मैं चंबा गया हुआ था, तो वहाँ पे दिन में 2-3 बार बारिश तो होती थी, क्योंकि 5 मिनट के बाद वहाँ पे बिल्कुल बादल आ जाते थे और एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती थी। वो तो चंबा में काफ़ी ऐसी लोकेशन थी, जैसे कि काला टॉप, खजियार हो गया, ऐसे एरिया में बिल्कुल बादल एकदम से आते हैं और एकदम से बरस के चले जाते हैं। तो दोस्तों, पहले तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग में आया हूं, तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपनी वीडियो आज पोस्ट की है, तो मैं उसी कारण आपसे माफ़ी चाहता हूं। पालमपुर की जो बेस्ट डेस्टिनेशन है वो आपको मैं दिखाऊंगा भी और घुमाऊंगा भी, और रास्ते में जो भी पालमपुर की जो बेस्ट फूड पॉइंट आएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। यदि आप कांगड़ा में आते हो तो आपको कांगड़ा में कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट खाने के लिए मिलेगी वो आपको मैं आज दिखाऊंगा। तो जाते जाते हम रास्ते में आपको वो सारी लोकेशन भी दिखाएंगे और फूड भी दिखाएंगे, तो आप भी हमारे इस ब्लॉग में बने रहें, क्योंकि आज हम आपको लेके जा रहे हैं पालमपुर, और पालमपुर है हिमाचल की बहुत ही सुंदर जगह, और वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को भी मिलेगा और काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा वहाँ के बारे में। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं पालमपुर की ओर। दोस्तों, यार मौसम बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि आपको मैंने बताया था बरसात का टाइम है, तो देखो सामने ये हरे हरे घास आपको रोड के किनारे में देखने को मिलेगा, और ये ऊंचे ऊंचे पेड़ बिल्कुल हरे भरे ये पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, और ये पहाड़ों पे सुंदर सुंदर बादल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बरसात का टाइम है। बरसात के टाइम कुछ ऐसे ही जो हिमालय हैं अपने नए रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप भी हमारे साथ इस जर्नी का लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे पालमपुर की ओर।
यहाँ पे यार अजय पूछ रहा हूँ तेरे से कि मुझे तो इतना डिटेल में नहीं पता, बट पालमपुर के लोगों में मुझे इतना दिख रहा है कि पैसा बहुत है वहाँ पे, मनी फ्लो बहुत ज़्यादा है। पैसा है क्योंकि लोगों के पास वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा उस साइड है, और पालमपुर में टूरिज्म बहुत सारा है सारा, और लोगों के अच्छी शॉप्स हैं वहाँ पे, अच्छी चलती हैं, और टर्नओवर भी डेली की हज़ारों लाखों के हिसाब से है। अच्छा, तो जो लैंड ओरिएंटेड पीपल हैं जिनके पास ज़मीनें हैं काफ़ी सारी, उनके उनकी इनकम सोर्स भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा होती है पैदावार। तो वैसे तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वहाँ पे आलू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आलू की खेती यानी कि जो पहाड़ी आलू है वो पालमपुर में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सबसे ज़्यादा होता है। पहाड़ी आलू तो वो पालमपुर में देखने को मिलेगा और कहीं आपको देखने को मिलेगा। स्वाद बहुत ज़बरदस्त होता है ना। पालमपुर के पास जो दूसरा आलू होता है वो मिलेगा आपको लाहौल स्पीति में। ओके, ठीक है। तो लाहौल स्पीति का जो आलू है वो सेकंड नंबर पे आता है, और जो फर्स्ट नंबर पे है वो पालमपुर का आलू आता है, जो पहाड़ी आलू टेढ़े मेढ़े जितने भी। अच्छा, मतलब पालमपुर का जो ये पहाड़ी आलू है जो बिल्कुल मीठा नहीं होता, ये पहले नंबर पे आता है? ये पहले नंबर पूरे इसमें किस कौन सी बेल्ट में, मतलब हिमाचल में ही मतलब ये आलू पहले नंबर पे आता है। जैसे कि आपने शहरों में देखा ही होगा चंडीगढ़ वगैरह में लोग जाते हैं कि पहाड़ी आलू चाहिए, और पहाड़ी आलू आई थिंक हमने अभी चंबा में भी देखे थे। चंबा में भी देखे थे, बड़े बड़े आलू थे, एक एक किलो का आई थिंक एक ही आलू, एक एक किलो के आसपास का आलू देखा हमने, बहुत बड़ा बड़ा, और पत्थर ऐसा लग रहा था ना, टेढ़ा मेढ़ा, अलग अलग शेप थी उसकी। वैसे ही होता है यहाँ पे भी आलू, वैसे ही है सिस्टम, बिल्कुल सेम है, और आलू का साइज थोड़ा कम होगा और टेस्ट काफी ज्यादा होगा। और जो खेत है यहाँ पे आलू की खेती करने के लिए वो वैसे ही है जैसे चंबा में थे, पर चंबा में आलू की खेती बिल्कुल कम की जाती है, और सबसे ज्यादा आलू की खेती डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में यहाँ पे। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वो स्टेप सिस्टम होगा ना पहाड़ियों में आलू उगाने के लिए। हाँ बिल्कुल, मतलब पूरी पहाड़ी जो है वो स्टेप 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 करके नीचे आती है पूरी। बिल्कुल स्टेप सिस्टम रहता है। पालमपुर में सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो साल में चार फसलें निकालते हैं। फर्स्ट है उनकी गेहूँ की फसल, सेकंड है मक्की की फसल, और थर्ड आती है अपनी आलू की फसल, और फोर्थ नंबर पे आती है धान की फसल। मतलब चार कल्टीवेशन, मतलब चार तरह की फसल होती है यहाँ पे ना। और धान भी कोई नॉर्मल नहीं उगाते हैं यहाँ के लोग, जो कि हाईएस्ट जैसे अपना लेके चलो आप जिसको बासमती जीरा राइस। अच्छा। जो जीरा दूसरा होती है, जीरा चावल आते हैं एक तो। अच्छा, जो बिल्कुल छोटे छोटे जैसे आपने हिमाचली धाम में देखे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे चावल होते हैं हिमाचली धाम में जो यूज करते हैं ना, वैसे ही वैसे वाले उगते हैं। मतलब कि रिच चावल भी रिच उगते हैं यहाँ पे, मतलब बढ़िया क्वालिटी वाले है ना, हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी के आई थिंक जितने भी यहाँ पे खेती वगैरह की जाती है ना, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है यहाँ से। इस एरिया में पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है इस एरिया में। काफ़ी हरा भरा एरिया भी है ना ये, और वैली मतलब ऐसी है कि सदाबहार ही, मतलब मौसम बढ़िया सा रहता है यहाँ बढ़िया। और देखना जब सीढ़ी नुमा खेत आएंगे अभी आगे, सीढ़ी नुमा खेत तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं देखने में। और यहाँ के मेरे ख्याल से जो पहाड़ियाँ हैं ना वो चंबा के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी हाइट वाली पहाड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे स्टेप कटिंग में अभी हम रोड से जा रहे हैं नजर आती है, वो अच्छी लगती है बहुत, है ना। अभी हम रोड से जा रहे हैं, रोड से ना ये लोकेशन इतनी बढ़िया दिखाई देती है, जो ट्रेन से दिखती है मेरे ख्याल से। ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन से वर्ल्ड लेवल पे दिखेगी वो, ट्रेन से बहुत बढ़िया लगती है वो लोकेशन देखने में, जबरदस्त। मतलब वो पूरे के पूरे खेत नजर आते हैं प्रॉपर स्टेप कटिंग में, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के बीचों बीच निकलती है ट्रेन, तो ट्रेन राइड का मजा तो कुछ और ही है यहाँ पे। और इस एरिया के रोड बहुत अच्छे हैं, देखो कितना अच्छा रोड तो भाई वाकई में मानने वाली बात है, इस वाली बेल्ट में आके ये सारे रोड बीआरओ के अंदर आते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट रोड है यहाँ पे, अच्छे रोड है। चंबा से तो काफी अच्छे रोड है यहाँ के, और पहाड़ियाँ भी बहुत कम है यहाँ पे, मतलब छोटी हाइट वाली पहाड़ियाँ हैं, मतलब उसमें अगर स्टेप वाले खेत उगते हैं उगाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, क्योंकि ढलान बहुत कम होती है, बिल्कुल बिल्कुल चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो वैसे वाले खेत जो पहाड़ों के होते हैं ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं देखने में। देखो कितनी बड़ी बड़ी शॉप हैं, काफ़ी एरिया है। अभी तो मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है ना, अभी थोड़ा बहुत। हाँ अभी तो हम लोग अभी काफ़ी दूर हैं पालमपुर से, आई थिंक छतरी जगह आई है। हाँ छतरी जगह आई है, तो अब तो मेन पालमपुर आएगा, वो तो ज़बरदस्त है भाई। पिछली बार जब हम गए थे तो कितना बढ़िया लग रहा था देखने में जब स्टार्ट हुआ पालमपुर, है ना। रास्ते में ना आई थिंक मैं भी किया था, तो विवेकानंद आई थिंक हॉस्पिटल है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो हॉस्पिटल से आप पीछे का व्यू देखोगे तो मतलब जो दौलाधार रेंज है ना, बिल्कुल अच्छा दौलाधार रेंज भी दिखती है पूरी, ये वन दिखाई देती है, ये वन जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया है।
काफी अच्छा है, मतलब बहुत ही बढ़िया जिसको बोलते हैं ना पालमपुर। वैसे तो मुझे ऐसा फील होता है जो पालमपुर है ना, पालमपुर और ये बैजनाथ वाला जो पॉइंट है, ये अनएक्सप्लोर्ड सा बेल्ट है। मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट टूरिस्ट नहीं आते, जो लोकल हिमाचली हो गए या जिनको नॉलेज है थोड़ी सी कि भाई पालमपुर और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं या फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कल्चरली आपको दिखती हैं, तो वो लोग स्पेशली आते हैं जो ज़्यादा घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं ना, जिनको घूमना ज़्यादा शौक है वो लोग आते हैं। अदरवाइज नॉर्मल टूरिस्ट तो वहीं धर्मशाला और ये मोटे मोटे जो मेन मेन स्टेशन हैं यहीं ट्रैवल करके भाग जाते हैं वापस, है ना। हाँ, वो ऊपर थोड़ा ना वैसे खुला एरिया जाता है, लोग वहीं पे भाग जाते हैं। जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है, क्योंकि बहुत कम टूरिस्ट है जो यहाँ तक पहुँचा है और बहुत कम टूरिस्ट यहाँ तक फ्लो करता है, ट्रैफिक बहुत कम है टूरिस्ट का। पर यह है कि जो यहाँ का टेम्परेचर है ना पालमपुर का, वो टेम्परेचर धर्मशाला जैसे रहता है रात के टाइम में, आई थिंक ठंड रहती है इस एरिया में भी। और ऊपर थोड़ा देखो ये भी धान, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं धान, है ना साइड पे हो गए सारी। आई थिंक ये अभी मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ पे, तो अभी खेत खाली पड़े होते उस टाइम, तो अभी तो पूरे हरे भरे हैं। अच्छा, इस साइड भी देखो मक्की की खेती है, साइड धान की खेती है, तो बहुत बढ़िया है यार, काफी अच्छे बना रखे हैं। पर यहाँ भी मैं एक चीज देख रहा था भाई, ये जो छतें हैं घरों की, ये इन्होंने इस तरह की बनाई हुई है जैसे स्नो के टाइम की बनाते हैं। स्नो है, पर यहाँ पे स्नो गिरती नहीं है, क्योंकि स्नो नहीं गिरती, बट ये वैसे लुक के लिए इन्होंने हिमाचल का जो ट्रेडिशन चल पड़ा है पूरे एरिया में, तो उन्होंने वैसे हरी छत और ये रेड छत है ना, हरी रेड ऐसी छतें बना रहे हैं, मतलब अच्छी लग रही है मगर देखने में, है ना। देखो थोड़ा ट्रेंड बन गया यहाँ पे तरह के लुक देने का, पहले तो ये बर्फ वाले एरियों में ज्यादा दिखती थी हमें। अभी ना आई थिंक हम गगल के नियर पहुंच चुके हैं, गगल के नियर है ना, गगल एयरपोर्ट के आसपास, कांगड़ा एयरपोर्ट 15 किलोमीटर है यहाँ से। तो यहाँ से जो कांगड़ा एयरपोर्ट है जिसको गगल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, सिर्फ 15 किलोमीटर है। और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा था कि आप बाई एयर यहाँ तक आ सकते हैं, और यहाँ से आगे फिर आपको बहुत कम डिस्टेंस बचेगा पालमपुर जाने का। इस एरिया में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस एरिया में आपको हर जगह पे फूड मिल जाएगा खाने के लिए। मैं एक्चुअली और देख रहा हूँ, लोअर हिमाचल में जाते हैं ना ऊपर जाते हैं इस एरिया में, वहाँ पे खाने वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम। मैं वही चीज़ देख रहा था अभी, काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, काफ़ी सारी नॉर्मल शॉप्स दिख रही हैं, कन्फेक्शनरी शॉप्स दिख रही हैं आसपास। और दूसरी चीज़ पेट्रोल पंप भी मुझे काफ़ी सारे दिखे, मतलब इस रोड में कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की। और इस एरिया में सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि इस एरिया में आपको कांगड़ी धाम मिल जाएगी खाने के लिए। कांगड़ी धाम मैं आपको बताऊंगा आगे ना, कांगड़ी धाम यहीं पे आगे। अच्छा, कांगड़ी धाम रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट नहीं, छोटी सी शॉप है, तो रेस्टोरेंट वैसे काफ़ी सारे खुल चुके हैं। तो भाई क्यों ना ऐसे करें, हाँ जी दोपहर का टाइम हो गया यार, कांगड़ी धाम खाते हुए चलते हैं ऊपर आगे, देखते हैं आगे जरा कांगड़ी धाम खा के पालमपुर को निकलते हैं। कांगड़ी धाम खाते हैं वो ना, थोड़ा गगल से क्रॉस करके ना, थोड़ा मार्केट को क्रॉस करके, जहाँ से धर्मशाला को लेफ्ट टर्न कटेगा ना, उसी से आगे करके। पता है ना रास्ता? हाँ, मैंने खाई है एक दो बार। चलो धीरे धीरे चलते हैं, देखते हैं अगर हमें नजर आ जाती है तो। शॉप छोटी है पर स्वाद बहुत अच्छा है, और दिखा भी देते हैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं कि भाई कांगड़ी धाम कैसी होती है और कहाँ पे मिलती है, ताकि अगर वो कभी ट्रेवल करके आए इस साइड तो उन्हें कांगड़ी धाम खाने का मतलब आनंद उठाने का मौका मिल जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मजे ले लें, क्योंकि नॉर्मली तो ये फंक्शन एसी बंद करते हैं, मौसम ठंडा हो गया है। हाँ यार एसी कर देते हैं बंद, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया। चलो कर दिया मैंने बंद यार।
तो ऑलमोस्ट हमने अभी तक 50 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो भूख भी काफ़ी लग चुकी थी और मैं और मेरा भाई जो है रास्ते में डिस्कस कर रहे थे कि आज हम जो अपना लंच है वो किसी कांगड़ी धाम रेस्टोरेंट में करेंगे। मैंने उनको बताया कि यहाँ पे एक कांगड़ी धाम रेस्टोरेंट है, छोटा सा ढाबा टाइप है और काफ़ी सुंदर है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके कांगड़ी धाम का आनंद उठाते हैं। तो ये सामने रहा वो कांगड़ी धाम का ढाबा जो कि निर्मल ढाबा के नाम से है और इसी ढाबे में आपको कांगड़ी धाम मिलेगी और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिशेस मिलेंगी जो कि कांगड़ी धाम में बनाई जाती हैं, जैसे कि मदरा खट्टा और माँ चने की दाल, राजमा हो गए और खीर हो गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको खाने को मिलेंगी। तो अभी हम लंच यहीं पे करेंगे। वैसे तो मेरी मम्मी ने लंच साथ में पैक करके भेजा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना उस लंच को रात के टाइम डिनर में यूज़ किया जाए। तो अभी हमारा जो मन है वो कांगड़ी धाम खाने का है, तो चलो चलते हैं अंदर कांगड़ी धाम खाने के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो कांगड़ी धाम रेस्टोरेंट है, ढाबा है, ये पीछे जहाँ पे गगल एयरपोर्ट है थोड़ी दूरी पे है और उसी से थोड़ी आगे आके ये इशी विलेज पड़ता है, यानी कि इशी विलेज है। इशी विलेज में ये कांगड़ी धाम ढाबा है और ये छोटा सा ढाबा है और अभी भी काफ़ी सारे जो लोग हैं अंदर आई थिंक खाना वगैरह खा रहे हैं। तो चलो चलते हैं अंदर की ओर और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या मिलता है खाने के लिए। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो धाम खिलाने का जो प्रोसेस है वो वैसा नहीं है कि जैसे आपको शादियों में देखने को मिलेगा। जो शॉप है यहाँ पे आपको जो खाना मिलेगा एक थाली में मिलेगा और छोटे छोटे जो बॉल्स होते हैं स्टील के उनके अंदर मिलेगा। अगर आपको मैं सामने दिखाऊं तो ये मेरी प्लेट लगी हुई है सामने और ये मेरे ब्रदर की प्लेट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो जो कांगड़ी धाम है वो जो तल वगैरह होती है उसमें खिलाई जाती है, पर ये जो ढाबा है यहाँ पे जो कांगड़ी धाम है वो आपको ऐसी प्लेट में सजा के मिलेगी। ये छोटे छोटे बॉल्स हैं, इनके बीच में बहुत सारी सब्जी वगैरह मिलेंगी जो कि आपको कांगड़ी धाम में देखने को मिलेगी। तो ये सामने मदरा है, चने का मदरा, और ये गोभी है, और ये कांगड़ी कढ़ी है, और ये खट्टा है, चने का खट्टा, इसमें चने भी डाले हुए हैं, ब्लैक चने हैं, और ये माँ चने की दाल है। और यदि आप धाम ख़त्म कर लेते हो तो उसके बाद आपको स्वीट डिश साथ में मिलेगी। ये सामने खीर है, ये भी आपको खाने के लिए मिलेगी और काफ़ी टेस्टी ये धाम है। तो ये इस ढाबे के ओनर हैं और इनके फादर साहब भी यहीं पर काम करते हैं, वो इस ढाबे को संभालते हैं और काफ़ी टाइम से कांगड़ा के लोगों को ये सेवा दे रहे हैं। तो भाई जी कितना टाइम हो गया वैसे आपको यहाँ पे? सर हमें 25 साल होने वाले हैं। अच्छा 25 साल होने वाले हैं, चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अभी हम धाम खा लेते हैं पहले, ठीक है नहीं? तो दोस्तों अभी अपनी थाली ख़त्म कर लेता हूँ। ये जो कांगड़ी धाम की थाली मेरे सामने सजाई गई है उसको खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो लंच हमारा हो चुका है और काफ़ी सुंदर यहाँ पे धाम बनाई हुई थी इन्होंने, बहुत ही मज़ा आया। बस एक चीज़ की कमी थी जो कि पत्तल वगैरह वहाँ पे दी जाती है कांगड़ी धाम में, यानी कि जो शादियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे दी जाती हैं पत्तलें, जो कि तोर की पत्तल होती है, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें टेस्ट अलग ही आता है। पर यहाँ पर यह ढाबा है तो यहाँ पर आपको प्लेट में ही खाना खाने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी मज़ा आया, बाकी डिशेस बहुत ही अच्छी थी, काफ़ी स्वाद धाम थी और बस 60 रुपीज़ में, तो 60 रुपये में काफ़ी कुछ खाने के लिए मिल गया जहाँ पे धाम में। मदरा हो गया, खट्टा हो गया, अपना माँ चने की दाल हो गई, राजमा हो गए, खीर हो गई, और भी काफ़ी कुछ था उसमें जो कि एडिशनल था धाम के अलावा। तो काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अभी पालमपुर की ओर, चलते हैं आगे की ओर, अभी हमारा पेट बिल्कुल भर चुका है।
तो आखिरकार हम पालमपुर पहुंच चुके हैं। तो हमारी जो गाड़ी थी उसमें पेट्रोल काफ़ी कम हो चुका था, तो इस टाइम हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। ये पालमपुर का लोकल पेट्रोल पंप है और वहीं पे खड़े हैं हम। अपनी गाड़ी का जो टैंक है उसको फुल करवा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें काफ़ी जगह पे घूमना है। तो अभी हम आपको पालमपुर लेके जा रहे हैं, जो पालमपुर की जो मार्केट है वो आपको घुमाएंगे, और हो सके तो आप आज आपको टी बगान दिखाएंगे जहाँ का, यानी कि जो चाय के बगीचे हैं जहाँ पे वो दिखाएंगे। अगर आज पॉसिबल नहीं हो पाया तो कल आपको मॉर्निंग में हम जो चाय के बगान है जहाँ पे पालमपुर में वो भी आपको घुमाएंगे, और कितने हेक्टेयर एरिया में वो बगान फैले हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं धीरे धीरे।